नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल यूपी न्यूज़ क्लिक में। मैं अंकित मिश्रा एक बार फिर लेकर आया हूं किस्सा गांव के विकास का। जी हाँ, इसी सीरीज के तहत आज हम खड़े हैं अयोध्या ज़िले के सहौल ब्लॉक के ग्राम सभा उचितपुर में। यहां पे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, हम इनसे जानेंगे इनके गाँव के विकास के बारे में और इनसे जो समस्याएँ जुड़ी हैं इनके गाँव की उसके बारे में भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या दिक्कत हो रही है और क्यों हो रही है, इसका निदान या निराकरण क्यों नहीं हो रहा है, निराधार क्यों नहीं हो रहा। सबसे पहले बात करेंगे चाचा जी से। क्या नाम है चाचा आपका? रामकिशोर। रामकिशोर, अच्छा चाचा जी आप बताइए गांव के प्रधान जी का नाम क्या है आपके? राम अभिलाख यानी राधा। महिला प्रधान है आपकी ग्राम सभा की। ये तो वो गांव में समस्याएं सुनने आती हैं या नहीं आती हैं? समस्या ऐसे सुनिए सुनने आती है लेकिन कहीं जी माँ जी आती हैं गाँव में? कहूँ आ जा तो आ जा, नहीं आती हैं। वोट लेने आई थी? हाँ वोट लेने तो आते हैं। वोट लेने आई थी अच्छा, और कोई लाभ की बात करें, अगर गांव के विकास की बात करें तो कुछ लगता है आपको गांव में आपके विकास हुआ है? विकास हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ है, यानी ना शौचालय है। शौचालय नहीं मिला आपको? नहीं, शौचालय नहीं मिला है जी। माँ जी पूरा कुछ नहीं भाई। क्या नाम है आपका? कमला जी। अच्छा आपके बात करें, पेंशन वगैरह बनी है आपकी? कुछ नहीं, पेंशन नहीं बनी है। तो राशन कार्ड है आपका? हाँ, राशन मिलता है। हाँ, आपके घर नहीं अंगूठा लग नहीं। अच्छा, अंगूठे नहीं लग रहा था इस वजह से नहीं मिला राशन। हाँ, नहीं दिया। हाँ, क्या कहते हैं कि अंगूठा नहीं लगेगा तो नहीं मिलेगा। हाँ, अच्छा आज दिक्कत तो हो रही है इस बारे में, तो इसके बारे में कुछ बात बात करी कहीं पे प्रधान जी से? कहा भैया जवन मन का ठीक है, हम करेंगे अपनी तरफ से। और शौचालय आपको मिला है? शौचालय मिला है आपको? नहीं मिले आपको? आपको मिले चाची? नहीं। कितनी उम्र है आपकी? लगभग 50। 50 की हैं अभी, पेंशन पात्र नहीं है। आपका क्या नाम चाची? सीता देवी। अच्छा आप बताइए, आपको गांव में आपको क्या लगता है कि कुछ नया काम हुआ है गांव में? नया काम यही भवा है और कौन नया काम बन गई है। रोड बन गई है। हाँ, ये रोड बनी है और नाली भी बन गई है। नाली बन, पानी निकल जाता है? नहीं, निकलने का सुविधा है, जगह नहीं, नलका लगा, पानी निकलने का सुविधा नहीं है। क्यों? नाली तो बनी हुई है। हाँ, सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं निकलने को पानी। मतलब कैसे, क्या उनको बताएंगे? यहाँ से निकलेगा? हाँ, आगे नहीं है, आगे ब्लॉक है नाली। हाँ, बस इधर ही बनी है खाली। हाँ, बनी है नाली, पूरी पूरी बनी है। हाँ, पानी कहीं गिराने की जगह नहीं है, जगह नहीं है, गिरने का जगह नहीं है। अच्छा, मतलब सोखता टाइप का कुछ बना नहीं है, सोख वगैरह, ये खाली नाली में भरा रहेगा। अच्छा, तो इसके बारे में कुछ कहा कभी प्रधान जी से? प्रधान अधूरा काम क्यों करवा दिया? सब तीन कहा गवा कोई काम नहीं सुनते हैं प्रधान जी। आप जानते हैं नाम प्रधान जी का? कुछ करता नहीं। क्या नाम प्रधान जी का? अभिलाख नहीं, राधा। महिला प्रधान जी है ना? राधा। वोट किसको किया था आपने? उन्हीं को किया था ना, महिला प्रधान जी को। हाँ। आई थी वोट? अरे वो तो रातों दिन आती रही भैया वोट मांगने और काम कराने के लिए। कुछ ना है, काम कराने कभी नहीं आती, कभी नहीं आती ना, कबो नहीं आती है। दस दाई बुला जा तबो नहीं आती है, बुलाने पर भी नहीं आती, नहीं आती है, कुछ कोनो काम नहीं ढंग के होता है। अच्छा, मीटिंग होती है खुली बैठक की, जाती है वहाँ पे चाची आप? यहाँ कुछ होता नहीं, पता नहीं, पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। मीटिंग हो रही है? हाँ। आपको पता नहीं चलता? किसी को नहीं पता चलता? किसी को नहीं पता चलता नहीं, कुछ नहीं सुन पा रहा। मगर देखा ही नहीं आते हैं कैसे बनती है, कैसे नहीं बनती है। अपन हमें बोलत रहे तो बोलते रहे, नहीं तो बोले नहीं आते रहेगा। देखा भाई साहब, नाम क्या आपका? अंकुर पटेल। अंकुर पटेल जी, अच्छा आप बताइए कि गांव के प्रधान जी को जानते हैं आप? हाँ जानते हैं। क्या नाम है? राधा। राधा जी, मिले हैं कभी उनसे? नहीं नहीं मिले आज तक, 4 साल गुजर गए नहीं मिले। नहीं। आप भाई? नहीं भाई। क्या नाम आपका? मनीष पटेल। मनीष पटेल, इसी गांव से है ना? जी, इसी गांव के हैं। तो आप समस्याएं किसको बताते हैं आप? जो भी समस्या होती है हम अब प्रधान जी से ही कहेंगे, अब किसी से कहेंगे तो नहीं। प्रधान जी को आपने जब देखा ही नहीं तो कैसे? नहीं, हम यहाँ पे रहते नहीं, अभी बाहर रहते हैं। अच्छा, अभी एक महीना हुआ है। आप भाई आप बाहर रहते हैं? अब गांव में ही। आप गांव में रहते हैं, तो आप किसको बताते हैं समस्याएं? नहीं, प्रधान को। प्रधान जी को, मतलब उनके हस्बैंड जी को बताते हैं? नहीं, प्रधान को। प्रधान, आपने कहा मिले ही नहीं? उनके पति को। उनके पति को बताते हैं ना, पत्नी को बताते हैं। तो प्रधान जी कभी आते हैं गांव में, देखा है आपने उनको? गांव में नहीं, उनके पति आते हैं गांव में। उनके पति आते हैं, पहचान लेंगे आप प्रधान जी को? हाँ, जो पहचान लेंगे, जो मेन प्रधान है। हाँ, पहचान लेंगे, पहचान लेंगे। अच्छा अच्छा, समस्याएं जो आते हैं आज समस्याएं बताते हैं, अगर प्रतिनिधि को बताते हैं तो समस्याएं सुनी जाती हैं आपकी या खाली सुन लेते हैं बस? काम लेते हैं, काम नहीं करते, काम नहीं करते, कोई काम नहीं करते प्रधान जी की तरफ से? आपको संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि रोड तो बन गई लेकिन नालियां का आधा ब्लॉक बना है, नालियां भी ब्लॉक करके रखा हुआ है। नाली भी नहीं बनी, एक तरफ नाली बनी है, भी नहीं बनी है, दूसरी दिक्कत हो रही है। अच्छा, बिजली की बात करें तो क्या पूरे गाँव में कनेक्शन सारे हो गए होंगे? लगभग लाइट आती है? हाँ, लाइट आती है।
अधिकतर लाइट हो गए, कनेक्शन हो गए, लाइट की सुविधा उपलब्ध हो, लाइट की सुविधा उपलब्ध है। अच्छा अभी आप बता रहे थे कुछ समस्या थी आपको, क्योंकि बताएंगे क्या समस्या हो रही है। समस्या ये है भैया, हम तो कोनो जतन कहीं नहीं रहे, लिंटा छोड़ा दिए हम फिर नहीं कहीं, तो हमें कोनो जतन से लिंटा छोड़ा भैया। अच्छा का कहें, अच्छा और की दिक्कत की बात करें, आपकी उम्र कितनी है आपकी? हमारा कम से कम 60-70 के हो गए। पेंशन बना है आपका? हाँ भैया पेंशन बनी है। अच्छा पेंशन मिल रही है, हमें झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है। और कोई दिक्कत अगर हो रही, शौचालय मिला है आपको? हाँ भैया मिला, आपको मिला था ये शौचालय? हमारे घर है। अच्छा एक ही साथ के हैं। अच्छा अच्छा, और कुछ पेंशन, वो पैसे की बात कर रहे थे नरेगा की मजदूरी के लिए, तो कब काम किया था आपने नरेगा में? अब फागुन में हो गया, साल एक साल नहीं हो गया, अभी पैसे मजदूरी नहीं मिली, इसके बारे में कहीं बात करी कभी? कहा प्रधान जी से? कहन कर दई कहीं आ जाए आ जाए आ जाए, खाली यही कहते हैं कि आ जाएगा आ जाएगा, हर चीज में लटका रहे हैं। हाँ काम कुछ नहीं कर रहे, आश्वासन दे रहे हैं काम कर देंगे हो जाएगा, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे। पानी जाने का रास्ता नहीं ना, पानी जाने का, हाँ निकलने का, सब लोग की समस्या, ज्यादा समस्या गाँव में ही है। जैसे आप हम बीच में हैं जी, कि इस बगल नल बांध देते, इस बगल बांध देते हैं, दोनों साइड से बीच में घर खराब हो जाता, इकाओ खोद के फिर नाली जी 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 नाली का पानी नहीं बना रहे, नाली की समस्या ज़्यादा हो रही है गांव में। जैसा कि हमने कहा था कि आपको लेके चलते हैं प्रधान जी के पास, तो हम आ गए हैं उनके निवास स्थान पर। भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान प्रतिनिधि के रूप में, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम है आपका? राम अभिलाख। अच्छा बताइए कि 4 साल का आपका जो कार्यकाल रहा है, जितना भी कार्यकाल अभी तक रहा आपने, इसमें कौन कौन से काम किए हैं गाँव के लिए? जी हमने नाली बनवाया, इंटरलॉकिंग कराया और खड़ंजा लगवाया। नाली की बात कर रहे हैं, आपने नाली बनवाई है, लेकिन नाली आधी बनाई है कि उसमें पानी निकलने का कोई रास्ता है नहीं कहीं पे, इस वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है गांव वालों को नाली तो की। थोड़ा सा है दिक्कत आगे। हाँ तो मतलब क्यों ऐसे अधूरा काम क्यों? नहीं नहीं ये भी काम होना है, हम झाप डलवाए हैं, झाप जो है झाप नाली जो झाप पड़ती है उसको हमने ढलाए हैं, जब वो पट्टी जब वो हो जाएगा पक जाएगा तो उसको वो जो पाटे हुए हैं उनको हटा के हम झाप डला देंगे, बस नाली चालू हो जाएगी। नाली अभी इसीलिए नहीं चालू है, तो नाली का पानी गिरने का रास्ता है जगह कहीं बना? रास्ता कहीं नहीं है, जगह नहीं है कहीं बना, यहाँ पे कहीं तालाब है आस पास भी? तालाब है लेकिन दूसरे ग्राम सभा में, दूसरे ग्राम सभा में। तो यहाँ पे अच्छा सोकपीट बनवाना चाहिए, ऐसे नाली का नहीं है सोखता टाइप का, जगह भी तो नहीं है, जगह नहीं है, चारीपुरा ये आबादी नहीं, ये क्या है, ये ग्राम समाज की जमीन है ना? ग्राम समाज जमीन है। तो ग्राम समाज की जमीन है तो जगह आप ग्राम समाज से ही निकालेंगे आपका, तो किसी खेत में निकालेंगे? भैया पूरा खेत पड़ता है, दूसरे खेत में बनवा नहीं सकते? नहीं बिल्कुल ना, तो हमारे पास ग्राम सभा को मतलब की ग्राम समाज भी कहीं नहीं है, आगे हम बनवा दें, हम भी जाते हैं बनवा दें कहीं नहीं। छोटी छोटी नालियाँ हैं, छोटे छोटे सोक पीस बना के घर के यहाँ पे गाँव में, वो तो बनने वाला है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज़ है, अगर नाली बनी ही है, अगर इसका उपयोग ही नहीं करेंगे तो मतलब गाँव में हम तीन सोक पीस हम बनवाने वाले हैं। बिल्कुल, क्या कितने मजरे आते हैं आपके ग्राम सभा में? तीन मजरे आते हैं, उचितपुर है, कुमेरपुरा है, दुर्जनपुरा है। अच्छा तो तीन मजरे आते हैं, तो तीनों ग्राम सभा में काम करेंगे नाली का लिए ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकायतें नाली की मिली हैं। हाँ और कुछ बता रहे थे, खड़ंजा का निर्माण कराया, कितना मीटर कराया समथिंग? खड़ंजा निर्माण लमसम हमने कराया है 200 मीटर एक कराया, 400 मीटर एक कराया और 98 मीटर एक कराया। थोड़ा तेज बोलिए। 98 मीटर एक कराया और 98 मीटर एक कराया जी। तो कई सारे निर्माण कराए खड़ंजे को लेकर आपने? जी कई सारे निर्माण कराए, कई सारे बनवाए जी। अच्छा और नरेगा की बात करें, आपके जो कार्यकाल रहा है अभी तक नरेगा में, जितने लोगों ने काम किया है काफी सालों से, 2 या 3 साल समथिंग बता रहे थे कि मजदूरी नहीं मिल रही है, तो वही बात क्यों? वही बात अभी हम भी तो बता रहे थे हम ना। हाँ तो क्यों नहीं मिल रही? भाई साहब हमें बता रहे थे जी कि लेबर हमसे बताइए ना, भाई साहब लेबर जो काम कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं जी, जब उनकी मजदूरी ब्लॉक से नहीं भेजेंगे तो हम तो देंगे नहीं। नहीं तो इसके बारे में आप तो काम कर सकते हैं, आप जाके ब्लॉक पे जाके बात कर सकते हैं, एप्लीकेशन देख सकते हैं, शिकायत बार तहसील द्वार में हमने ले जाकर सबको आप एप्लीकेशन भी दिलाया। अच्छा और फिर भी वहाँ तक पहुँचती है नज़रअंदाज कर देते हैं ब्लॉक वाले, उसमें हम लोग क्या करें, ब्लॉक से दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा मतलब आपने अपना काम किया हुआ है, सारी दिक्कत ब्लॉक से हो रही है, पूरी बेज लिस्ट जो होती है वो जाकर ब्लॉक पर ही रख दिया। अब वो कहते हैं
भैया उनके तो खाता हमने पैसा भेज दिया। अरे भेज दो, उनके खाता में पैसा क्यों नहीं आ रहा? जनता लेकिन आपसे नाराज है, वो तो जानती नहीं, उसको बताया नहीं होगा आप तो आपने जो भी कुछ है। जनता को तो आज किया कल चाहिए पैसा। अच्छा शौचालय की बात करें अगर तो नहीं, कल तो चाहिए वो तो अलग बात हो गई, कल चाहिए कि 2 साल से रुके हुए हैं वो, उनकी मजदूरी वही है, वही खाना है, वही पीना है। शौचालय की बात अगर आप करते हैं तो कितने पात्र व्यक्ति को शौचालय में, शौचालय की बहुत ज़्यादा कमी दिखी है। 2011 में जो बेसलाइन सर्वे थी जी, उसमें हमारे यहाँ 55 शौचालय आया था, तो उन्हीं में से हमने 10 शौचालय और ले आए जी, हमने 65 शौचालय बनवा दिया है जी, 10 हमने ओवर कर दिया, 10 ज़्यादा किए हैं और 150 शौचालय दोबारा हमने फिट दिया हुआ है। अच्छा, बनने के लिए फिट करवाया हुआ जी है। क्योंकि शौचालय की बहुत लोगों को नहीं मिला है, नहीं मिला तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, लेकर हमने वहाँ दिया हुआ, नाम आपने किया हुआ है जी। अच्छा, और बात करते हैं कि कॉलोनी की आवास, तो आवास कुछ मिला है? नहीं ना, हमारे यहाँ कोई आवास नहीं मिला है। सब पाँच वर्ष में ये जब तक 4 साल बीत रहा है, नहीं आज तक एक भी आवास नहीं मिला। कोई पात्र नहीं है आवास? पात्र हैं लेकिन 10-11 लोग का जो है कि वहाँ पर लिस्ट आ चुकी है जी, जी। ब्लॉक पे आ चुकी है, लेकिन जब शासन पैसा भेजेगा पूर्ण रूप से तभी हम दे पाएंगे। ये तो बात सही कह रहे हैं आप, तो मतलब ये दिक्कत हो रही है, वहाँ से पैसा नहीं आ रहा, बाकी नाम हो गया सूची में, नाम भी लग गया है, बस दिक्कत। अच्छा, और अगर स्कूल की बात करें, विद्यालय की, कितने विद्यालय आते हैं आपके? विद्यालय एक ही में, उसका कायाकल्प पूरी तरीके से हो गया? जाके आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल अभी हम जाने वाले हैं वहीं पे, देखें जाके वहाँ पर टॉयलेट, पूरा स्कूल आपको चमकते हुए मिलेगा, आंगनबाड़ी जो है वो भी चमकते हुए मिलेगी आपको, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी एक है वो भी आपको चमकते हुए मिलेगा। अच्छा, 4 साल का बताया आपने जो जो काम किए हैं, 1 साल बचा हुआ है आपका, जो भी कुछ बचा हुआ है 1 साल 8-9 महीने, उसमें आप गांव के लिए कौन सा काम करेंगे जिससे गांव की जनता? गांव के लिए मुझे काम करना है, पहली बात तो आवाज़ जिसको नहीं मिला उसको दिलाना है, दूसरी बात शौचालय दिलाना है, तीसरी बात जो बची है, तीसरी बात समस्याएं सुननी है। समस्याएं नहीं सुनते हैं आप? नहीं, समस्या सुनते हैं। कैसे कहते हैं आप सुनते हैं? गांव के जो जनता बता रही है, आरोप लग रहे हैं आपकी कि आप तो जाते हैं गांव में, जो प्रधान जी हैं उनका नाम भी नहीं पता है गांव वालों को, कि नाम क्या है उनका ये भी नहीं पता है, कि वोट खाली कह रहे हैं। जब वोट मांगने आए थे तो दिन रात हमेशा आती थी, जब से वोट जीत गई हैं तब से कभी दिखी नहीं है, ये आरोप लगा हुआ है। तो इसके लिए तो आपको समस्याएं, और जो समस्याएं, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, और जो समस्याएं होती हैं अगर होता है कि आपसे बताया जाए तो आपसे सुनना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। सही, जरूर नहीं करते हैं बिल्कुल, आप गांव की सरकार आप है, जनता आपको जानती है, शिकायत वो आपसे करेगी, जो तारीफ करेंगी वो भी आप ही की होगी, आपका गांव विकास करेगा तो जी। तो जी आप बता रहे थे 4 साल में और कोई काम करेंगे? हाँ, जो भी काम रहेगा आप करते रहेंगे, बिल्कुल करते रहेंगे जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमसे जुड़े हैं। ऐसे ही ढेर सारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।